अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी दिनों से मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा था और आज मुझे थोड़ा सा आई इन्फेक्शन भी है, जो कि आजकल सबको हो रहा है। तो आज हम लोग आए हुए हैं, जो हमारा आज का व्लॉग है वो है ओमनी कार्टिंग, कुरंगी क्रीक में ये है। तो चलें हम आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या चार्जेस हैं और क्या क्या होता है। सो फाइनली वी आर हेयर, हम लोग ओमनी कार्टिंग सर्किट आ चुके हैं और आप लोग देख रहे हैं रश, थोड़ा बहुत रश नहीं भी है क्योंकि शाम का टाइम है और ये शाम 5 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक होता है। तो चलें आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रजिस्टर करवा लेते हैं ख़ुद को, ये इनका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है। अब हम इसके अंदर जा रहे हैं और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बॉस? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। कैसे हैं बॉस? ठीक ठाक यार। सेशन कौन सा चल रहा है? ओके, अपकमिंग सेक्शन में फॉर्म दे दीजिएगा, 7 है ना, इसके बाद अपकमिंग 7 है। ठीक है, दे दीजिएगा, मैं अपना फॉर्म, एक बंदा है कल। हाँ जी, आफ्टर रजिस्ट्रेशन हम लोग जाएंगे ब्रीफिंग हॉल की तरफ, जहाँ पे वो हमें गाइड करेंगे कि आपने किस तरह कार्टिंग करनी है और क्या क्या करना है। तो चलें अंदर जाके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अब हमारी ब्रीफिंग शुरू हो चुकी है, अब हमें इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है क्योंकि रूल्स को हमें फॉलो करना है, ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है। तो इस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। If you are suspected of being under the influence of drugs or alcohol, you may not be allowed to drive. तो जैसे आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमारी जो है ना, हम लोगों ने पेमेंट सेशन हुआ, उसके अंदर एज और जो फॉर्म होता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हमने वो सारी फिल की। उसके बाद ब्रीफिंग क्लास हुई, उसमें उन लोगों ने हमको सारी चीज़ें सिखाई कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता। आफ्टर ब्रीफिंग हम लोग रूम में आ गए, लॉकर रूम और हमारे सूट्स। आप अपने साइज़ के हिसाब से देख लें, इसमें मीडियम लार्ज का टैग लगा होगा, जैसे कि मुझे तो मीडियम साइज़ आता है तो मैं मीडियम साइज़ पहनूंगा। और आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, आपका सेल फ़ोन वगैरह, क्योंकि आप वो ट्रैक पे नहीं लेके जा सकते तो आप लॉकर में रखें, हम लॉकर नंबर 18 में रखें। तो ट्रैक सूट पहनने के बाद आप लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डिफरेंट साइज़ आपके साइज़ के हिसाब से हेलमेट्स हैं, हेलमेट और ग्लव्स पहन के आप ट्रैक पर जाएंगे। सो आई एम रेडी, अब मेरी कार्ड नंबर 9 इंस्ट्रक्टर ने मुझे बताया। अब रेस के दौरान मैं अपना फ़ोन नहीं लेके जा सकता, तो आगे की वीडियो जो भी व्लॉग होगा वो मैं गोप्रो के साथ शूट करूँगा। सो फाइनली बहुत मज़ा आया, रिजल्ट्स देखते हैं। तलहा मक्सीवी 4th पोजीशन, कार्ड नंबर 9, 7 लैप्स। अच्छा है यार, नॉट बैड, काफ़ी मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। तो भाई कार्टिंग हो गई है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मुझे इसने तकलीफ़ दी है, जिसकी वजह से 4th पोजीशन आई है, 4th पोजीशन आई है। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आँख सही होगी तो आप लोगों के साथ रिज़ल्ट शो करूंगा, लेकिन लास्ट टाइम वाले मैं आपके साथ अपने रिज़ल्ट शो करता हूं, जिसमें मेरी 2nd और 3rd पोजीशन आई थी लास्ट टाइम जब मैंने आके कार्टिंग की थी। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।